हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई 2023 के बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में। हर महीने हमें इस लिस्ट की इंतजार होती है ह्यूंडई एंड टाटा मोटर्स के वजह से, क्योंकि इन दोनों ब्रांड्स के बीच सेकंड पोजीशन के लिए बहुत तगड़ी फाइट हो रही है, जिसपे ह्यूंडई काफी लंबे टाइम से बनी हुई है और अब उस पोजीशन को टाटा मोटर्स टेक ओवर करना चाहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों ब्रांड्स की क्या पोजीशन है और बाकी ब्रांड्स के साथ क्या कुछ चल रहा है। तो 15th पोजीशन पे आई है जीप मोटर्स। मई 2023 में जीप मोटर्स ने पूरे इंडिया में 558 यूनिट्स को सेल किया है। इस सेल्स को अगर हम कंपेयर करें मई 2022 से तो 45% का डिक्लाइन आया है इसके सेल्स में, जो कि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। इसके सेल्स में जो डिक्लाइन आया है उसका सबसे बड़ा रीजन है जीप कंपस, क्योंकि जीप के लाइनअप में सिर्फ कंपस ही थी जो एक सेल्स जनरेट कर पा रही थी और अब ये गाड़ी भी आउटडेटेड हो चुकी है। 13th पोजीशन पे आई है सिट्रॉन मोटर्स। मई 2023 में सिट्रॉन मोटर्स ने पूरे इंडिया में 1003 यूनिट्स को सेल किया है और अगर आप इसके सेल्स को मई 2022 से कंपेयर करते हो तो 180% का ग्रोथ देखा गया है, क्योंकि मई 2022 में कंपनी ने सिर्फ 51 यूनिट्स ही सेल किए थे, बिकॉज कंपनी उस टाइम पे नई थी और कंपनी का लाइनअप में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शामिल था, C5 एयर क्रॉस। 12th पोजीशन पे आई है निसान मोटर्स। मई 2023 में निसान मोटर्स ने पूरे इंडिया में 2617 यूनिट्स को सेल किया है। अगर इसके सेल्स को कंपेयर करें मई 2022 से तो इसके सेल्स में 21% का ग्रोथ आया है। 11th पोजीशन पे आई है फॉक्सवैगन। मई 2023 में फॉक्सवैगन ने पूरे इंडिया में 3032 यूनिट्स को सेल किया है। इसके सेल्स को अगर हम कंपेयर करें मई 2022 से तो 15% का डिक्लाइन देखा गया है। ये कंपनी कंटिन्यू इंडिया में कुछ अच्छी गाड़ियां लॉन्च कर रही है, बट फिर भी इस कंपनी के सेल्स में कुछ खास अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, इनफैक्ट यहाँ पे तो डिक्लाइन दिख रहा है। 10th पोजीशन पे आई है स्कोडा मोटर्स। ये फॉक्सवैगन की ही सिस्टर ब्रांड है एंड मई 2023 में इस कंपनी ने पूरे इंडिया में 4009 यूनिट्स को सेल किए हैं और इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में भी डिक्लाइन देखा गया है 24% का। 9th पोजीशन पे आई है रेनो मोटर्स। मई 2023 में रेनो मोटर्स ने पूरे इंडिया में 4329 यूनिट्स को सेल किए हैं। इस सेल्स को अगर हम कंपेयर करें मई 2022 से तो 54% का डिक्लाइन देखा गया है। 8th पोजीशन पे आई है एमजी मोटर्स। मई 2023 में एमजी मोटर्स ने पूरे इंडिया में 4551 यूनिट्स को सेल किए हैं। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 77% का ग्रोथ आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मई 2022 में एमजी मोटर्स ने सिर्फ 2008 यूनिट्स को ही सेल किया था, जबकि यूजुअली ये 5 से 7 हजार गाड़ियां सेल कर लेते हैं। 7th पोजीशन पे आई है होंडा मोटर्स। मई 2023 में होंडा मोटर्स ने पूरे इंडिया में 5313 यूनिट्स को सेल किया है और इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 38% का डिक्लाइन देखा गया है। होंडा का भी सिचुएशन सेम रेनो जैसा ही है। इस कंपनी की भी पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत अच्छी है, बट फिर भी ये कंपनी इंडिया में गाड़ियां लॉन्च नहीं करते। यही रीजन है कि इस कंपनी के सेल्स दिन पे दिन डाउन होती जा रही है, पर अब शायद से ये चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि फाइनली अब होंडा 6 जून को इंडिया में एक न्यू एसयूवी लॉन्च करने वाली है। 6th पोजीशन पे आई है टोयोटा मोटर्स। मई 2023 में टोयोटा मोटर्स ने पूरे इंडिया में 14162 यूनिट्स कार्स को सेल किया है। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 6% का डिक्लाइन देखा गया है। टोयोटा के पास सिर्फ दो गाड़ियां हैं जो इनके लिए सेल्स जनरेट करके ला रही है, फॉर्चुनर एंड इनोवा। बाकी जो भी गाड़ियां हैं वो सिर्फ देखने के काम आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गाड़ियां रिबैच्ड वर्जन है। 5th पोजीशन पे आई है किया मोटर्स। मई 2023 में किया मोटर्स ने पूरे इंडिया में 18766 यूनिट्स को सेल किया है। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 0.26% का ग्रोथ आया है, मतलब इस कंपनी ने अपने सेल्स नंबर को मेंटेन किया है। 4th पोजीशन पे आई है महिंद्रा। मई 2023 में महिंद्रा मोटर्स ने 32886 यूनिट्स को सेल किए हैं। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 22% का ग्रोथ देखा गया है एंड ये ग्रोथ हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों की डिमांड बहुत अच्छी है, बस इन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। 3rd पोजीशन पे आई है टाटा मोटर्स।
मई 2023 में टाटा मोटर्स ने पूरे इंडिया में 45,878 यूनिट्स को सेल किए हैं। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 5.85% का ग्रोथ देखा गया है। टाटा के साथ भी ऑलमोस्ट वैसा ही सीन है। डिमांड तो अच्छी है बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से ये अपनी सेल्स को ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। अगर टाटा मोटर्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल होती है तो ये कंपनी हर महीने में इजिली 60,000 सेल्स जनरेट कर सकती है। सेकंड पोजीशन पे वापस से आई है ह्युंडई मोटर्स। मई 2023 में ह्युंडई मोटर्स ने पूरे इंडिया में 48,601 यूनिट्स को सेल किया है एंड इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ देखा गया है 14.91% का। ये कंपनी हर महीने टाटा मोटर्स को एक अच्छा चैलेंज दे रही है। बहुत जल्द ही हमें इन दोनों ब्रांड्स की सेल्स 50,000 क्रॉस करते हुए देख सकती है। एंड फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी है। मई 2023 में मारुति सुजुकी ने पूरे इंडिया में 1,43,708 यूनिट्स कार्स को सेल किए हैं। इस कंपनी के लाइनअप में वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है बट सिर्फ 5 गाड़ी ही इस कंपनी को 1,00,000 से ज्यादा सेल्स लाकर देती है। वैगनार, बलिनो, स्विफ्ट, डिजायर एंड ऑल्टो। तो ये रहे मई 2023 के बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।